नमस्कार साथियों, आपका मैं राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, आज आपके लिए बहुत अहम जानकारी लेकर आया हूँ। पहले भी आपको इस बारे में मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी, कि आप गर्मियों में भी गेंदे लगा सकते हैं। और ये हमने आपको बताया था किसी के अंदर ढेरों गेंदे आपके जो जर्मिनेशन हो जाएगी और उसको बाद में हम रिपोर्ट करेंगे और आपको वो पूरी गर्मी आपको फूल देंगे। आपका जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक पूरा आपका वो फूल चलेगा। जुलाई अगस्त सितंबर तीन महीने पूरा फूल चलेगा। तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो जो मैं प्लांट लगाता हूँ वो शाम को लगाता हूँ। अभी सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि डेमो में हम क्या लगाते हैं। जो लगाए हुए प्लांट जो पहले लगाए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो कल हमने जो लगाए थे वो भी दिखाएंगे। तो पहले आपको एक बार मैं ये डेमो दिखा देता हूँ कि पौधा किस प्रकार लगाया जाता है। तो देखो, इस प्रकार से आपको ये पौधे निकाल लेने हैं साथियों। ये गेंदे के पौधे हैं, ये इस प्रकार से आपको निकाल लेने हैं। मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, काफी है, इसलिए मैं जैसे मन देखे वैसे निकाल लेता हूँ। क्योंकि ये फैलने वाला गेंदा है, इसलिए आप इसमें आप एक एक प्लांट भी लगा सकते हो या तीन तीन प्लांट भी लगा सकते हो। मैं आपको तीन पौधे लगा के दिखा रहा हूं कि तीन पौधे कितने बढ़िया सरवाइव करते हैं और कैसे उनकी देखभाल की जाती है। ये अमेरिकन एक्सप्रेस गेंदा है, जो अमेरिकन गेंदे के नाम से जो मशहूर है। जिस प्रकार हमारा जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, इस प्रकार ये अमेरिकन मैरीगोल्ड है। इसकी खासियत ये है कि ये सर्दी गर्मी दोनों में चल जाता है, बहुत अच्छा चलता है। सर्दी में इसके फूल बड़े होते हैं, गर्मी में इसके फूल छोटे होते हैं। तो साथियों, बस केवल आपको इतना ही करना है कि इस प्रकार इसको लगा देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। ये तो हमने सिर्फ आपको एक डेमो दिखाया है कि किस प्रकार इसको लगाया जाता है। ऐसे ही आपको ये तीन तीन पौधे लगा देने हैं और इसके अंदर पानी दे देना। ये देखो, शावर से आप जिस तरह मर्जी इसको पानी दे दीजिए, ये थोड़ा सा मुरझाएंगे लेकिन खराब नहीं होगा आपका ये पौधा बिल्कुल भी। इसका मैं प्रमाण आपको दिखाता हूं। जो पहले जो लगाए हुए हैं दिखाता हूं। ये देखो, हमने इसकी पिंचिंग भी की है, एक पौधा लगाया हुआ है, पिंचिंग की हुई है। पौधा कितना हेल्दी और कितना बुशी होता जा रहा है, आप नीचे से देखो इसके काउंट कर सकते हो कि कितने इसके अंदर शॉट निकल चुके हैं। ऐसे हमने ये हमारा एक एक पौधा इसके अंदर भी लगाया है। अब जो दो दो तीन तीन पौधे लगाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, जो पहले लगाए थे। ये हमारे वो पहले वाले जो पौधे जो लगाए थे वो हमने इस प्रकार से लगाए थे, जो अभी आपको जो दिखाए थे, लेकिन शाम के वक्त लगाए थे। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी ग्रोथ हो चुकी है, पौधा कितना बढ़िया हो चुका है। और इन खरपतवारों से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि कितने पहले का लगाया हुआ ये पौधा है। अब जो कल लगाए थे वो आपको और दिखा देते हैं उनकी क्या। ये देखो साथियों, ये हमने शाम को ये पौधे लगाए थे। अब आप इनकी हालात देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ये नर्वस होते हैं पौधे, लेकिन आपका कोई भी पौधा ये खराब नहीं होगा। ये देखो, इसमें हमारे जो ये वो लगाई हुई थी सनफ्लावर लगाई हुई थी, तो जो सनफ्लावर जिन्होंने फूल दिए, फिर बाद में हमने उनको उखाड़ के इसके अंदर से ये पौधे सारे लगा दिए। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया इनके अंदर अभी ये रिजल्ट चला हुआ है, यानी कोई भी पौधा आपका खराब नहीं हो सकता। तो आप भी अगर आपके पास इस समय गेंदे की पौध है तो आप अच्छी तरह से लगा सकते हो, और इसी तरह से आप इनको अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। गेंदे के लिए हमने आपको बहुत सी वीडियो बना के दी हैं, उस सभी की वीडियो आप हमारे जो प्लेलिस्ट पे आ जाके आप चेक कर सकते हो कि किस सर्दी में गेंदा किस प्रकार लगाया जाता है, बीज कैसे बनाए जाते हैं। और अब आपको गर्मी के अंदर भी आपको लगाना सिखा रहे हैं कि गर्मी में भी आप गेंदे किस प्रकार से ले सकते हो, जो आप बारिश में आपको बहुत बढ़िया फूल देंगे। क्योंकि गेंदे के एक फूल ऐसा होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। तभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास और भी बहुत सी ये प्लांट बचे हुए हैं, इनको भी मैं कहीं कहीं ना कहीं कहीं लगा दूंगा तो ढेरों मेरे पास इतने गेंदे हो जाएंगे बहुत ज्यादा। और ये आपके सितंबर अक्टूबर तक पूरा फूल देते रहेंगे, और उसके बाद फिर आप सर्दियों वाले लगा सकते हो। उसका बीज क्या हमने आपको बताया था कि बीज भी हमने आपको बनाया हुआ है। तो ये एक छोटी सी जानकारी और देना मैं बेहतर जरूरी समझता हूँ कि जो साथी
हमारे साथ मिलकर जुड़कर जो चलते हैं और उन्होंने हमने उन्हें जो जो बताए हैं, वो जो हमारे जो प्रोसीजर को जो फॉलो करते हैं, तो अगर उन्होंने अगर इस प्रकार से अगर ये गेंदे लगाए हुए हैं तो वो इस प्रकार आप ये गेंदे लगा सकते हैं। ये मेरे लगाए हुए गेंदे नहीं है, ये ऑटोमेटिक से ये जमे हुए गेंदे हैं। मैं बोल दूं कि आपको ये मैं लगाए हुए नहीं, यहाँ पे आपने देखा था कि बहुत ज्यादा हमने एक मात्रा में गेंदे लगाए हुए थे और उसी से ये पौधे ग्रो हुए थे। अब एक नमूना आपको और दिखा देता हूं, मैं पहले भी दिखाया है। ये देखो समय पे जो काम करे है हमने इस बेल को, देखो अभी ये कितनी गुच्छों में, ये बेल के अंदर देखो कितने शॉट निकल चुकी है और अब ये देख सकते हो, अब ये पहचान पाओगे आपकी ये क्या है। पहले भी आपको बताया था कि ये गुलदाउदी है, देख रहे हो पूरी तरह से ये बीज से जमी हुई गुलदाउदी है और बीज से किस प्रकार से लगती है वो अभी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूं कि ये मैंने लगाई है नहीं, यहां पे पौधा रखा हुआ था उससे बीज गिरे और ये जम गई। और बीज से भी कितनी अच्छी गुलदावरी तैयार होती है उसका डेमो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, अभी फिर एक बार फिर दिखा देते हैं। ये देखो बगैर पिंचिंग, कोई पिंचिंग नहीं, ये हमारी कटिंग से लगाई हुई है और ये बीज वाली है जो हमने उखाड़ के वहां से यहां लगा दी थी। अब वहां के पौधों में अंतर देख सकते हो और इसके पौधे में अंतर देख सकते हो, कितनी इसके अंदर ग्रोथ चली हुई है। और मैं अभी यही देखना है इसके अंदर कि अगर मैं इसके पिंचिंग ना करूं तो इसमें फूल कैसा कितना बड़ा आता है और एक बीज से गुलदावरी कितनी अच्छी ग्रोथ करती है वो मैं इस बार देखना चाहता हूं इसको। तो साथियों ये सब बातें बताने का मेरा अभिप्राय सिर्फ एक ही है कि आप इसी प्रकार से अपने घर से ही सैकड़ों फूल लगा सकते हो, कहीं बाहर जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन बाहर का बना लीजिए, कुछ अपने घर का बना लीजिए, इससे आपका जो गार्डन का है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और लंबे समय तक आपको ये फूल चलते रहेंगे। मेरे गार्डन में कोई ऐसा समय नहीं जाता जिस समय मुझे कोई फूल ना मिला हो, क्योंकि कभी बेल से तो कभी आपका जो हमारे जो सीजनल फ्लावर है उनसे हमेशा फूल चलते रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता कि जब फूल ना चले हो, और हरेक के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो आशा करता हूं साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की ढेर इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं चैनल पर लेकर आता रहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं यहां पे आपके सामने जो भी बात करता हूं आपकी आंखों के सामने आपको दिखा के समझा के तभी मैं आपके सामने बोलता हूं, ये नहीं कि बाद से या पीछे से मैं कोई बात कहता हूं, आपके सामने ही सब कुछ आपको दिखाता हूं। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता इससे ज्यादा मैं साथियों आपको नहीं समझा सकता। समझाने से मेरा तात्पर्य यही है कि आपको मैं प्रकृति के साथ जुड़कर चलना सिखा रहा हूं, कोई प्रॉफिट या लोभ या हानि का हम यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करें, हम तो एक प्रकृति के साथ किस तरह जोड़ा जाता है वो सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। तो इसी आशा के साथ साथियों धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।